Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So welcome back to the part two of session two. Abhi is session mein hum kya karenge? Is session mein hum ye application dobara se recreate karenge. Sahi hai? Isko maine attraction UI ka naam diya hai. So isi application ko hum dobara se banayenge. Clear? To iske liye maine ek naya application create kiya hai. Usko main open karta hoon. अट्रैक्शन यूआई के नाम से है ओके रिमूव कर लेते हैं सही है बाकी बाकी वीडियोस को दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं है सही है इसको मैं जस्ट दे दूंगा क्विज सॉरी क्विज नहीं अट्रैक्शन यूआई इसको मैं नाम दे दूंगा एंड देन होम पेज है तो होम पेज राइट नाउ हमने दिया नहीं है सही सो स्ट्रक्चर हमारा वही होगा सही है यहां पर हमारे पास मैं डायरेक्टली क्रिएट करूंगा यूआई की एंड यूआई के अंदर पर हमारे पास स्क्रीन होंगे सही है और स्क्रीन के अंदर हमारे पास क्या होगा ये जो स्क्रीन अभी हमने देखा है एक नजर इसको मैं नाम देता हूं अट्रैक्शन स्क्रीन सही है यहां तक क्लियर है यहां पर मैं इंपोर्ट करता हूं मटेरियल एंड देन यहां पर नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो पर अट्रैक्शन यू आई सो यहां ये तो हमारा वो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया प्रोजेक्ट का ओके सो यहां तक सो रिकॉर्डिंग इज ऑन ओके सो यहां तक हमारा वो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया यहां पे होम में मैं क्या करता हूं यहां पे इसको मैं देता हूं अट्रैक्शन अट्रैक्शन यूआई सही है इस एप्लीकेशन को हम रन करते हैं दोबारा से इसी सेम पे एमुलेटर पर पुराना ऐप में डिलीट कर देता हूं यहां पे इसका साइज का मसला आता है स्टोरेज का सो अभी हमने करना यह है कि यही सेम एप्लीकेशन दोबारा से रीडिजाइन करना है सही है अब इसमें आप लोग देख लें फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे क्या है एक इमेजर सही है एंड देन यहां पर हमारे पास बाकी जो यूआई है ना वो ना वर्टिकली अलाइंड है ना हॉरिजॉन्टली अलाइंड है वो थोड़ा मिक्स है अभी यहां पर सही है कुछ वर्टिकली अलाइंड है पर वर्टिकल में हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी है मतलब बहुत सारी चीजें यहां पर है अभी ना तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो इस वजह से मैंने इसको सेलेक्ट किया कि आपको ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए एंड यहाँ पर हम एक और चीज करेंगे जिसको हम बोलते हैं कस्टम विजिट्स सो कस्टम विजिट्स का काम भी यहाँ पर करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस यूआई को समझते हैं सही है इनिशियली आप लोग देख लें कि हमारे पास ये क्या है ये कॉलम में आएगा इनिशियली पूरा जो यूआई होगा एक कॉलम होगा सही है एक कॉलम के अंदर हमारे पास ये इमेज होगा सही है फिर हमारे पास ये वाला सेक्शन कॉलम के अंदर होगा सही है फिर ये वाला सेक्शन कॉलम के अंदर होगा फिर हमारे पास एक टेक्स्ट होगा क्लियर अब फिर हम ये सेक्शन देख लें ये सेक्शन जो है ये हमारे पास क्या होगा एक रो होगा रो में ये वाला सेक्शन होगा और ये वाला सेक्शन होगा सही है अब फिर ये वाला सेक्शन जो है ये वर्टिकली अलाइन है दो दो टेक्स्ट व्यूज हैं तो एक कॉलम ले लेंगे यहां पर हम सही है अच्छा फिर ये वाला सेक्शन देख लें ये वाला इसमें क्या होगा हमारे पास एक रो होगा रो में एक विजिट ये है एक विजिट ये है और एक विजिट ये है सही है रो में ये तीन विजिट हैं क्लियर अब इस विजिट के अंदर देख लें एक 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 इसमें हमारे पास एक आइकन है और एक हमारे पास टेक्स्ट है तो इसमें हम फिर क्या क्या यूज करेंगे दोबारा से फिर कॉलम यूज करेंगे सही है सो दिस इज हाउ वी आर गोना बिल्ड दिस यूआई तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट एनी हाउ जब हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत सिंपल है हम जल्दी डिजाइन कर लेंगे इसको
Now, coming towards the application, okay. So हमारा application run हो चुका है already यहाँ पर, सही है, but इसमें कुछ है नहीं यहाँ पर screen पे. तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं scaffold use करता हूँ and body area में मैंने फोन नाम ली, हम scaffold return करते हैं यहाँ से save. तो यहाँ पर हमारे पास वो scaffold का background है ना, by default है ना white होता है. तो बाई डिफॉल्ट हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो वाइट आ रहा है. दूसरी में दूसरा में जो काम करूँगा इसको मैं सेफ एरिया के अंदर डाल दूंगा, सही है, ताकि जो ऊपर स्टेटस बार है उसमें हमारे पास ना जाए, हमारा जो यूआई है स्टेटस बार पे ना जाए. सो सही है, अब देख लें वो बिल्कुल जो स्केफल्ड का एरिया था वो डाउन आ गया है, सही है. अभी तक जो था वो बिल्कुल वो स्टेटस बार के पीछे भी आ रहा था, सही. सो राइट नाउ अभी हम आते हैं बॉडी, सॉरी स्केफोल्ड में. स्केफोल्ड में हम आते हैं बॉडी एरिया में. तो जो सर आपको मैंने बताया था ना अभी कि इसमें हमारे पास कौन कौन से सेक्शन हैं, एक हमारे पास इमेज का सेक्शन है, एक कॉलम होगा, सही है. लेट सपोज अभी यहाँ पर करते हैं ना, एक कॉलम होगा, सही है. कॉलम के अंदर चिल्ड्रन है एंड चिल्ड्रन में हमारे पास अभी हम ये सेक्शन बनाएंगे, सही है. तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉप का सेक्शन है वो क्या है, वो इमेज है, सही है. इसको हम कवर इमेज कर देते हैं, कवर इमेज, सही है. फिर जो दूसरा सेक्शन है हमारे पास ये इसको आप हम क्या कर देंगे, इसको हम डिटेल्स का सेक्शन कर देंगे, सही है. इसको हम डिटेल्स का सेक्शन कर देंगे, ये इसको हम टाइटल्स टाइटल सब टाइटल सेक्शन कर देंगे, सही है. फिर हमारे पास ये वाला सेक्शन है, सही है. ये बटन का जो सेक्शन है, ये कॉल का बटन है, ये राउट का बटन है, ये शेयर का बटन है, सही. इसको हम क्या कर देंगे, बटन सेक्शन. एंड इसके बाद हमारे पास फिर क्या है, डिटेल्ड टेक्स्ट सेक्शन. क्लियर. सो ये सेक्शन हमारे पास इसमें बनेंगे, क्लियर. तो हम स्टार्ट करेंगे इमेज से. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपना इमेज डालेंगे एंड देन जो बाकी जो सेक्शन है उसकी तरफ आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं, एक इमेज उठाते हैं यहाँ से, ब्यूटीफुल पाकिस्तान. ये तो लड़की आ गई है. अच्छा ब्यूटीफुल पाकिस्तान, सॉरी सॉरी, मेरा मकसद कुछ और था, कुछ और आ गया है उनका. चलिए ये पिक्चर उठाते हैं, वंडर लक्ष की पिक्चर है, तो कॉपी राइट क्लेम ना कर दे कोई. अच्छा फेरी वीडियोज हैं, अगर आपने इसके बारे में डिटेल्स जानना है तो आप ट्रिप मैट का ऐप डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं. फेरी वीडियोज कोई ये हुआ है फेरी वीडियोज आपने से पाप में देखा हुआ है. चलिए अच्छा है, ओके. सो अच्छा जब आप इमेज, अब हमने इमेज इमेज तो हमने डाउनलोड कर दी है, अब इमेज को हम इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे, सही है. अब यहाँ पर आती है एसिड्स की बात, कि हम अपने फ्लटर ऐप के अंदर एसिड्स कैसे ऐड करते हैं, सही है. सो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आपने एक फोल्डर बनाना है एसिड्स के नाम से, एसिड्स, सही है. एंड एसिड्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ इमेजेस, क्लियर. एंड ये जो इमेज अभी हमने डाउनलोड किया है उसको उठा के इसमें डाल देंगे, सही है. इसको मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पर इसमें डाल दिया, हाँ 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 इमेजेस में डाल दिया है मैंने. एंड इसको ओके कर देते हैं, सही है. तो हमारे पास यहाँ पे वो इमेज हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है. अब हमने इमेज तो यहाँ पर ऐड कर दिया है, बट इस इमेज को हम डायरेक्टली इस तरह यूज नहीं कर सकते, सही है. इसके लिए हमें यहाँ पर pubspec.yaml फाइल जो है इसमें आकर यहाँ पर फ्लटर का जो इंजन है उसको बताना होगा कि हमने इमेज कहाँ पर ऐड किया है, मैं वहां से उस इमेज को यूज कर रहा हूँ, सही है. सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप नीचे आ जाए, यहाँ पर आपको ये एसेट्स का सेक्शन नजर आ रहा है, सही है. तो आप
यहाँ पर आके मतलब इसका अक्सर जो है ना ये इंडेंटेशन का इशू होता है। यहाँ पर जाएगी तो अच्छा, अब हम यहाँ पर एसेट्स में आए हैं तो एसेट्स का फोल्डर है एंड एसेट्स का फोल्डर के अंदर हमारे पास फिर इमेजेस का फोल्डर है, सही है। सो हमें क्या करना है, एसेट्स स्लैश एसेट्स फोल्डर है ना, उसके अंदर फिर इमेजेस का फोल्डर है, सही है। एसेट्स का फोल्डर उसके अंदर फिर इमेजेस, सही है। आप जब स्लैश लगाएंगे तो स्लैश का मतलब ये है कि इमेजेस के अंदर जितने भी इमेजेस हैं ना हम प्रोजेक्ट में उसको ऐड कर रहे हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने स्पेसिफिकली कोई एक इमेज यहाँ पे देना है तो आप एक इमेज भी दे सकते हैं, बट हमने जो जो वहाँ पे इमेजेस हैं वो सारी हमने यूज़ करनी है यहाँ पर, तो इस वजह से हमने पूरा वो राउट ऐड कर दिए कि इमेजेस के अंदर जितने भी इमेजेस हैं वो हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। क्लियर? सो आई होप सो कि ये क्लियर है। तो एसेट्स हमने, अच्छा यहाँ पर आपने एक कोशिश करनी कि यहाँ पर ये जो इंडेंटेशन है ना यहाँ पे जो स्पेसिंग है ये इवन आनी चाहिए, सही है। अदरवाइज अगर आपकी स्पेसिंग ठीक नहीं होगी तो आपका फिर इमेज वहाँ पर ऐड नहीं होगा। क्लियर? सो ये हमने ऐड कर दिया है इसमें, अब हम आएंगे यहाँ पर। सो फिल्टर पब अपग्रेड कर दें, सही है। फिल्टर पब अपग्रेड रन कर दें तो आपका ये सारा कुछ ऐड हो जाएगा इसमें। अपडेट करने की जरूरत तो खैर इसमें थी भी नहीं, बट एनी हाउ अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर टॉप पे फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज यूज करना है, सही है। तो इमेज यूज करने के लिए हमारे पास एक इमेज का विजिट मौजूद है ऑलरेडी ट्विटर में, सही है। अब इमेज के विजिट में हम क्या कर सकते हैं, इमेज के विजिट में ये लेता है एक इमेज, सही है। अब इमेज का टाइप क्या होगा यहाँ पर आपने वो बताना है। हमने अभी कौन सा इमेज यूज करना है, एसेट इमेज यूज करना है, मतलब एसेट से इमेज उठा के यहाँ पे हमने डालना है, सही है। तो आप एसेट इमेज यूज करेंगे यहाँ पर। अगर आपका इमेज किसी रिमोट पोजिशन मतलब किसी और सर्वर से आप इमेज उठा रहे हैं, नेटवर्क इमेज उठा रहे हैं, तो हम यहाँ पे नेटवर्क इमेज यूज करेंगे, सही है। बट राइट नाउ हम एसेट इमेज यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एसेट इमेज ही यूज करेंगे। अच्छा, अब इस यहाँ पे एसेट विजिट में आपने यहाँ पे जो इमेज का यू आर एल है वो देना है, यू आर इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है। सो ये हमारे पास इमेज है, इसको राइट क्लिक करके कॉपी पाथ एंड पाथ फ्रॉम रूट, ये पाथ आप यहाँ पे डाल दें, सही है। हमारे पास इमेज आ गया, क्लियर। अच्छा, अब इस इमेज के अंदर कुछ और पैरामीटर्स हैं, उसको देखने की जरूरत है। अच्छा, एक हमारे पास है हाइट, सही है। अगर आपने इस इमेज को स्पेसिफिक हाइट देनी है, लेट्स सपोज आपने हाइट देनी है 100 एंड इसकी विड्थ आपने देनी है 200, आप देखें इसको, तो ये इमेज आपके पास उस एरिया में आ गया है, 100 एंड 200 एरिया में आ गया है, सही है। अब इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन है फिट, इसकी फिटिंग क्या होगी। अक्सर इमेज आप देखें वो स्ट्रेच हो जाती है या वो एक्सपेंड हो जाती है, तो आपने इसकी फिटिंग कैसे करनी है वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, सही है। हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास बॉक्स फिट डॉट, अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, फिट विड्थ भी है, इसका जो विड्थ है वो आप फिट करें विड्थ, और हाइट में आपकी फिर क्या कर सकते हैं, वो बाकी जो एरिया है ना वो ट्रिम हो जाएगा वहां से, मतलब बाकी एरिया वो हाइड हो जाएगा, सही है। मतलब इसका जो विड्थ है ना वो जो आपके पास जो इमेज एरिया है ना उसने उस विड्थ को फिक्स कर देगा और बाकी जो एरिया है वो ट्रिम आउट हो जाएगा, सही है। फिट आउट का भी यही सेम सीन है। दूसरा जो हमारे पास है फिल है, अब फिल में हमारे पास क्या होता है, फिल में ये होता है कि आपके पास जो जो एरिया है, लेट सपोज ये जो हमारे पास एरिया है इस एरिया को फिल आउट करेगा, इस एरिया को फिल करके बाकी जो इमेज आ रहा है ना उसको या तो ट्रिम कर देगा या उसको स्ट्रेच कर देगा या उसको एक्सपेंड कर देगा, उसमें फिट आना चाहिए ये, सही है। तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास है वो है कंटेन, कंटेन क्या करेगा, जो आप जो जो एरिया आप इसको दे रहे हैं उसके अंदर वो इमेज एग्जैक्टली आएगा, इमेज का कोई एरिया उसमें ट्रिम नहीं होगा,
ना हाइट ट्रिम होगी ना विड्थ ट्रिम होगी, सही है, जो एग्जैक्ट इमेज है वो उसमें आ जाएगा, शायद वो जो एरिया आपके पास है, जो एरिया आपने स्पेसिफाई किया हुआ है उसके लिए, इमेज के लिए, शायद उसके अंदर मतलब वो पूरा एरिया कवर ना कर पाए बट उसके अंदर आएगा जरूर, सही है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो एरिया आपने स्पेसिफाई किया हुआ है, अक्सर हम देखते हैं आपका जो राउंडेड इमेज आता है प्रोफाइल इमेज में, सही है, प्रोफाइल इमेज में, बट हर इमेज हमारे पास वो राउंडेड नहीं होता, सही है, तो उन केसेस में इस चीज को इसकी बहुत जरूरत आती है। बट राइट नाउ जस्ट मैंने यहाँ पर जस्ट सिंपली डिस्कस कर दिया, थोड़ा सा ज्यादा मैंने डिस्कस नहीं किया, बट एनी हाउ दिस इज हाउ इट वर्क, सही है। अच्छा, मैंने अगर इसको स्पेसिफिक हाइट देनी है, इसको मैं अभी करता हूँ, अभी फिट हो जाएगा ये, और इसको मैं विड्थ देता हूँ फ्लोट डॉट इंफिनिटी, नहीं डबल डॉट इंफिनिटी, अभी देखें इसको, अभी मैंने कंटेन किया हुआ है ना, अब इसको मैंने हाइट कितनी दी है, हाइट मैंने उसको 100 पिक्सल दी है, और इसको मैंने विड्थ कितनी दी है, इन्फिनिटी, मतलब जितना स्पेस अवेलेबल है वो सारा स्पेस ही लेगा। अब इमेज का विजेट जो है वो पूरा स्पेस ले रहा है, बट यहाँ पर मैंने क्या किया, उसको मैंने कंटेन किया हुआ है, तो जस्ट मुझे वो इमेज एग्जैक्टली उस एरिया में आ रहा है, क्योंकि अगर मैं कंटेन ना करूँ तो फिर इसका हाइट एंड विड्थ चेंज होना चाहिए। अभी आपको समझ आ जाएगी, कंटेन करने की वजह से मैं करता हूँ विड्थ, विड्थ करता हूँ ना, विड्थ विड्थ कर दें, अब ये देखें वो जो एरिया था ना उसमें एक्सपेंड हो गया है, और जो टॉप एंड बॉटम था ना वो, ये देखें उसको ट्रिम कर दिया उसने, टॉप से कुछ एरिया उसने ट्रिम कर दिया है, सही है। अब लेट सपोज को मैं करता हूँ, लेट सपोज को भी मैं डबल डॉट इन्फिनिटी कर देता हूँ, डबल डॉट इन्फिनिटी का मतलब ये कि जितना स्पेस स्क्रीन पर अवेलेबल है वो आप ले रहे हैं, डबल डॉट डॉट इन्फिनिटी कर दिया, इसको मैं फिट हाइट करता हूँ, अच्छा जी और फ्लो हो रहा है, बॉटम पे ही और फ्लोर है, चलें सही है, हाइट में उसको नहीं देते, तो लेट्स सपोज मैंने 100 दी थी ना, इसको मैं 500 कर देता हूँ, अच्छा फिट हाइट में कोई इशू है इसमें ना, तो एनी हाउ बॉक्स फिट, मोस्टली आप जो बेहतर है वो आप करें, तो आप बॉक्स फिट डॉट कवर कर लें ताकि वो एजी जस्ट कवर हो जाए, ओके सही। तो हम क्या करते हैं, आप अगर देख लें यहाँ पर ये जो हमारे पास ये प्रोजेक्ट है इसमें इसका हाइट थोड़ा कम है, यहाँ पे हाइट कुछ ज्यादा आ रहा है, सही है, तो इसको मैं स्पेसिफिक हाइट दे देता हूँ, इसको मैं स्पेसिफिक हाइट देता हूँ हाइट, एंड इसको मैं कर देता हूँ 400, सही है, तो अभी वो 400 ले रहा है, साइज थोड़ा ज्यादा है, 300 कर देते हैं, सही है, तो 300, अब देखें ये इमेज उसके अंदर आ रहा है, बट टॉप पे देखें कुछ एरियाज का खाली रह गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा मैं और कम कर देता हूँ, 250 इनफ होगा, एंड उसको मैं बाकी मैं फिट कर देता हूँ। अभी देखें आपका लेफ्ट पे जो है ना वो एरियाज खाली आ रहा है, तो इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं फिट, तो मैं क्या कर दूंगा, बॉक्स फिट डॉट, हमने हॉरिजॉन्टल एरिया को कवर करना है, सही है ना, तो मैं क्या कर दूंगा फिट विड्थ कर दूंगा, वॉइस ऑफ फिटिंग, सॉरी इसको मैंने विड्थ नहीं दी, सॉरी, एंड विड्थ दे देते हैं इसको डबल डॉट इंफिनिटी, सही है। अब देखें उसने वो जो हॉरिजॉन्टल स्पेस था उसने वो पूरा ले लिया है, सही है, सो यहाँ पर हमारा इमेज आ गया है, अब ये भी मुझे कुछ ज्यादा लग रहा है, इसको 200 कर देते हैं, 200 इनफ होगा, सही है, सो दैट्स इनफ नाउ, आगे इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लें, सही है। अब ये देखें जितना मैं स्पेस दूंगा ना वर्टिकली, हाइट में जितना ज्यादा करूंगा तो वो बाकी इमेज और मुझे नजर आता जाएगा, सही है, तो ये मेरा इमेज यहाँ पे फिट आ गया है, तो इमेज तो हमने कवर कवर कर लिया,
अब जो दूसरा सेक्शन हमारे पास है वो ये वाला सेक्शन है, ये वाला, सही है। अभी फिर दो सेक्शन है, टाइटल है, सब टाइटल है, एक हमारे पास रेटिंग का ये है, सही है। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो यहाँ पर दो, ये एक विजिट ये है और एक विजिट ये है, दोनों हॉरिजॉन्टली अलाइन्ड है, तो यहाँ पर मैं रो यूज करूंगा, सही है। रो एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में हम दो विजिट यूज करेंगे, एक हमारे पास है टाइटल एंड सब टाइटल का, टाइटल सब टाइटल का, सही है। एंड दूसरा हमारे पास कौन सा सेक्शन है, ये जो ये रेटिंग का जो एरिया है, सही है, रेटिंग सेक्शन, क्लियर। अच्छा तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये टाइटल एरिया में आते हैं, इसमें आप देख रहे हैं आपके पास वर्टिकली दो टेक्स्ट विजिट्स हैं, सही है, उसको हमने जस्ट यूज करना है। सो यहां पर मैं क्या कर लूंगा, यहां पर मैं एक कॉलम यूज कर लूंगा, चिल्ड्रन, एंड यहां पर क्या कर देंगे, इसको दो टेक्स्ट विजिट्स हैं, तो टेक्स्ट हमारे पास, इसको मैं टाइटल कर दूंगा, सही है, एंड जो दूसरा टेक्स्ट विजिट है उसको मैं सब टाइटल कर दूंगा, सब टाइटल, सही है, टाइटल सब टाइटल आ गया है वहां पर। अब जो ये एरिया है इसमें देख रहे हैं आपके पास एक स्टार है, मतलब रेटिंग एरिया है, उसके उसके साथ एक टेक्स्ट है, सही है, और आप देख रहे हैं ये एक क्या है, ये एक रो है, क्लियर। सो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका वो डायरेक्टली हम यहाँ पर डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारे पास ये रो है ना, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं उसको। तो एक हमारे पास आइकन है, आइकॉन्स डॉट स्टार, इसमें स्टार नहीं है, आइकन डॉट रेट, अच्छा इसमें स्टार का आइकन नहीं है ना, तो आप अपना आइकन भी इसमें डाल सकते हैं, सही है। तो राइट नाउ मैं क्या करता हूं, मैं उस स्टार आइकन के बजाय मैं ये आइकन यूज कर लेता हूँ फॉर नाउ, सही है। हाँ फर्स्ट था उसमें, अब मेरा सिस्टम अभी थोड़ा सा स्लो हो गया है, हाँ स्टार रेट, चलिए इसका आइकन अभी आ जाएगा यहाँ पर, अभी मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है तो उसकी वजह से नहीं आ रहा, हाँ ये है, सही है। इसका कलर क्या कर देंगे, इसका कलर रेड कर देंगे, कलर इज रेड, एंड यहाँ पर साथ में इसका एक टेक्स्ट विजिट भी है, सही है, एंड टेक्स्ट हमारे पास वहां पे 41 है तो वो भी हम 41 डाल लेते हैं, सही है। और ये टाइटल में क्या है, चलें इसको हम कर देते हैं फेरी नीडोज, फेरी नीडोज, फेरी फेरी लैंड, सही है। सो ये हमारा जो है ना वो मेन हो गया है, सही है। अब इसकी हमने करनी है अलाइनमेंट थोड़ी सी, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, ये जो स्टार, ये जो रेटिंग का एरिया है ना, इसको हमने बिल्कुल एंड तक शिफ्ट करना है, सही है। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, स्पेसर यूज करना, तो आपका काम हो जाएगा, सही है। उसको हम बिल्कुल शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट पे, राइट पे, सही है। ये तो हो गया। अब दूसरा अगर देख लें आप, यहाँ पर भी पैडिंग इसको मिली हुई है, यहाँ पर भी इसको पैडिंग मिली हुई है, सही है। तो ये पैडिंग हम इसको दे देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये जो रो है ना, रो इसको हम क्या दे देते हैं, पैडिंग, इसको हम पैडिंग देते हैं एज इन सेट्स डॉट सिमेट्रिक, सही है,
एंड इसकी पेडिंग होगी 30 तक, सही है। वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में इसको 30 स्पेसिंग दे देते हैं। इशू कहाँ पर है, एक मिनट, यहाँ पे कोई इशू आ रहा, इसको देखते हैं कि वजह क्या है। ओके, सो ये हमारे पास था रो, एंड इस रो को हम पेडिंग देते हैं। पेडिंग एज इंसर्ट्स डॉट सिमेट्रिक, आप लोग थोड़ा डाउन लग रहा है क्यों, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में 30, सही है, सही। एंड वर्टिकल में इसको थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए ना, तो वर्टिकल में इसको हम स्पेसिंग दे देते हैं, वर्टिकल में इसको हम देते हैं 20, सही है। तो टॉप टॉप से भी इसको थोड़ी सी स्पेसिंग मिल गई है, इसको थोड़ी सी स्पेसिंग ज़्यादा चाहिए, तो 30 कर देते हैं उसको। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, अब ये देखें ये टेक्स्ट जो है ये बिल्कुल एक जगह से लेफ्ट अलाइन नहीं आ रहा, सही है। अब ये देखें ये अलाइन नहीं, ये यहाँ पर देखें ये अलाइंड है, ये जो कॉलम है ना इसकी अलाइनमेंट हम करेंगे क्रॉस, सही, सॉरी, मेन एक्सिस में इसकी अलाइनमेंट करनी है, तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, सही। अब ये दोनों स्टार्ट में अलाइन हो जाएंगे, कम ऑन, नहीं मेन, सॉरी ये क्रॉस एक्सिस है, क्रॉस एक्सिस में उसको अलाइन करना था हमने, तो ये क्रॉस एक्सेल अलाइनमेंट एंड क्रॉस एक्सेल अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, तो क्रॉस एक्सेस में ये अभी अलाइन हो जाएंगे, सही। तो क्रॉस एक्सेस में ये दोनों अलाइन हो गए हैं। अब दूसरी इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है थोड़ी सी, सही है, दोनों टेक्स्ट की, दोनों टेक्स्ट की स्टाइलिंग चेंज करनी है, दरमियान में कुछ को थोड़ी सी पेडिंग देनी है, सही है, इंटरनल स्पेसिंग देनी है। तो हम क्या करते हैं, इसकी स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, एंड यहाँ पे इसको साइज on size इसको हम कर देते हैं 20 and font weight इसको हम कर देते हैं font weight dot bold and साथ में इसका font weight है ना, font weight भी हो गया color, color dot black, ये हो गया हमारा जी, आई होप सो इट्स रेडी नाउ, सही है। सो ये हमारा इसकी सेटिंग हो गई है। अब सेम सेटिंग उसकी भी करनी है, इस यहाँ पर भी स्टाइलिंग करनी है इसकी, सही है, बट इसका कलर जो हमारे पास है वो थोड़ा सा ग्रे है, इसको कलर मैंने ग्रे दे दिया है, सही है। सो तकरीबन हमारे पास ये डिज़ाइन बन गया है, सही है। इसकी बोल्डनेस थोड़ी कम है तो इसको हम कर देते हैं 500, इसको मीडियम कर देते हैं, मीडियम बोल्ड, सही। नाउ इट्स रेडी, असल में ये फॉन्ट असल में चेंज है ना, फॉन्ट फॉन्ट फैमिली चेंज है, अब मुझे पता नहीं है कि फॉन्ट फैमिली कौन सी है, वरना वो फॉन्ट फैमिली भी हम डाल देते हैं इसमें, सही है। सो अगर आपको फॉन्ट फैमिली का पता हो तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, फिर इसको साइजिंग देनी है, सो साइज बॉक्स, एंड साइज बॉक्स में इसको कर देते हैं हाइट, टेन तो कुछ ज़्यादा है लेकिन देखते हैं कितना आता है, आई थिंक दैट्स इनफ, सही है। तो इसको हमने 10 स्पेसिंग भी दे दी, अब बाकी ये भी मेरा ख्याल के फिट है, इसकी साइज थोड़ी ज़्यादा है, सो इसको हम ये जो हमारा जो स्टार है ना, इस स्टार को हम साइज भी दे सकते हैं आइकन को, सही है, साइज एंड साइज में इसको मैं करता हूँ 20, कम है ये देखें, उसका जो साइज था वो थोड़ा ज्यादा हो गया है, सही। और साथ में जो रेटिंग का जो टेक्स्ट है उसका भी जो साइज है वो थोड़ा ज्यादा है, सही है। अब इसमें एक और बात है, ये जो आपके पास रो है ना, रो, अब इसमें देखिए ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे एक अंदाजा नहीं हो रहा, सही है, सेंटर में आ रहा है ना, तो अगर सेंटर में ना आ रहा हो तो आप लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास रो है ना,
तो इसको जो विजिट्स हैं इसकी हमने क्रॉस एक्सेस जो अलाइनमेंट है इसका जो मेन एक्सेस हमारे पास हॉरिजॉन्टल है ना, क्रॉस का वर्टिकल है, तो क्रॉस में इसको हमने सेंटर में अलाइन करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट एंड क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में अलाइन हो जाएंगे, सही है। बट राइट नाउ ये सेंटर अलाइन थे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, सही। तो हमारे पास वो टेक्स्ट भी बिल्कुल सही आ रहा है। सो ये एरिया भी तकरीबन तकरीबन आप समझ लें कि ये एरिया हमारा कवर हो गया है, सही है। अब वो स्टार थोड़ा सा डिफरेंट है और ये टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे इसको, 41 का जो टेक्स्ट स्टाइल है, स्टाइल एंड टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट वेट ठीक है, बाकी सारा फिट है। सो ये हमारा यहाँ तक हो गया है काम, उसका साइज भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, साइज ऑन साइज बस वो ऑलरेडी आई थिंक 15 था, सही है। सो ये हमारा ये जो ऊपर का सेक्शन था ये भी हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये यूआई बनाना है, सही है। So, अब ये यू आई हम बनाएंगे ये वाला, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक रो होगा, फिर कॉल का बटन है, राउट का बटन है और शेयर का बटन है, सही है। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये जो सेक्शन है बटन्स का सेक्शन, इसमें एक रो होगा एंड रो के अंदर चिल्ड्रन होंगे, एंड यहाँ पर हमारे पास फिर तीन सेक्शन है, सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेक्शन को बना के फिर बाकी सेक्शन का मैं आपको तरीकेकार बताता हूँ कि आपने उसको किस तरह करना है। अब यहाँ यहाँ पर एक और चीज़ है कस्टम विजिट्स की, वो समझने की है, क्योंकि अगर आप लोग देख लेना ये तीनों का स्टाइल बिल्कुल एक जैसा है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, जस्ट क्या है आइकन चेंज है और टेक्स्ट चेंज है, बाकी स्टाइलिंग तीनों की एक जैसी है। तो हम ये करेंगे कि एक स्टाइल बनाएंगे और उसी को तीनों में फिर यूज़ करेंगे, सही है। अब हमारा एक कस्टम विजिट बन जाएगा, कस्टम उसको मैं कस्टम बटन का नाम दे दूंगा और उसी कस्टम बटन को हम जस्ट एक आइकन पास करेंगे और उसका टेक्स्ट पास करेंगे और उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम यहाँ पे बनाते हैं। तो हमारे पास रो है एंड रो में क्या होगा, रो में हमारे पास फिर एक कॉलम होगा ये, सही है। सो कॉलम एंड कॉलम के अंदर चिल्ड्रन है एंड चिल्ड्रन में हमारे पास एक आइकन है, आइकॉन्स डॉट, इसको मैं कर देता हूँ फोन का आइकन, है ना, आइकन डॉट फोन। इसका फिर हमारे पास दूसरा क्या है, टेक्स्ट है और टेक्स्ट में क्या है कॉल, सही। अब देखते हैं इसको, यहाँ पर ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली आ रहा है। अब इसकी हम स्टाइलिंग करेंगे थोड़ी सी, सो कलर है इसका चेंज करेंगे, कलर्स डॉट ब्लू, इसका कलर ब्लू हो गया है एंड इसके बाद करना था इसका साइज थोड़ा ज्यादा कर देंगे, साइज एंड साइज को हम 20 कर रहे हैं, साइज कम है 20 तो 30 कर रहे हैं इसको, सही है। सो साइज हो गया है। अब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसको हम चेंज करते हैं, टेक्स्ट का जो स्टाइल है, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल एंड इसका फॉन्ट साइज एंड इसको हम करते हैं 18, फॉन्ट साइज 18, कलर कलर भी इसका ब्लू कर देंगे एंड साथ में इसकी जो फॉन्ट वेट है वो चेंज करते हैं, फॉन्ट वेट एंड फॉन्ट वेट डॉट 500। तो ये तकरीबन वो बटन बन गया है, सही है। अब इसमें जस्ट थोड़ी स्पेसिंग देनी है अंदर, सो इसको हम थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं, साइज बॉक्स इसको हम हाइट देते हैं, हाइट सही है। सो तकरीबन
तो तकरीबन वो बटन बन गया है यहाँ पर, सही है। अच्छा अब ये बटन है, हमें तीन बटन यहाँ पे चाहिए, सही है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ी सी पेडिंग देनी है बायर से, सही है। जितनी पेडिंग है उसको मिली है टॉप को, इसको भी इतनी पेडिंग दे देंगे, बाकी हम एडजस्टमेंट करेंगे अंदर। सो हम क्या करते हैं, इसको भी, इसको हमने कितनी पेडिंग दी थी यहाँ पर, इसको हमने 30-30 पेडिंग दी है। ये जो रो है बटन इसको हम देते हैं पेडिंग, ओके। तो एक तो इसको वो पेडिंग मिल गई, इसकी वर्टिकल स्पेसिंग हम रिमूव कर देते हैं राइट नाउ, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे इसको पेडिंग मिल गई। अब हमने करना क्या है, अब हमने ये करना है कि हमें तीन बटन चाहिए ना, तो ये हमारे पास एक बटन था, सही है। तो इसको हमने जस्ट तीन बटन हमारे पास आ गए। अब इसकी स्पेसिंग, इंटरनल स्पेसिंग हमने एडजस्ट करनी है, बट इंटरनल स्पेसिंग से पहले अगर आप लोग देख लें यहां पर ये कोड थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, अब इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है इस तरह के कोड को। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका जो हमने ये बटन बनाया था, अब तीनों का डिजाइन एग्जैक्टली सेम है, जस्ट हमने एक आइकन चेंज करना है और एक हमने टेक्स्ट चेंज, बाकी डिजाइन सबका एक जैसा है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक कस्टम विजेट बनाते हैं, सही है। तो इसको मैं यहां सर उठाकर इसको मैं एक अलग से एक विजेट बना देता हूँ, एक अलग क्लास इसको मैं बना देता हूँ जो मुझे ये बटन रिटर्न करेगा, सही है। तो मैं यहां पर आता हूँ, एक और विजेट बना देता हूँ स्टेटलेस विजेट, उसको मैं बना देता हूँ कस्टम कस्टम बटन का, सही है। और कस्टम बटन को मैं क्या पास करूंगा, कस्टम बटन मुझे रिटर्न करेगा ये बटन, सही है। अब ये देखें यहां पर बटन्स का सेक्शन कहाँ पे है, ये बटन्स का सेक्शन था ना, तो उतने सारे कोड की वजह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बट सॉरी कस्टम बटन, ये मेरे पास कस्टम बटन आ गया, सही है। अब मुझे तीन बटन्स चाहिए तो मैंने तीन बटन्स कर दिए हैं, सही है। तो कौन सा क्लीन और कौन सा बेहतर तरीका है, ये वाला अब क्लीन और बेहतर तरीका है ना। अगर कहीं पे आपको लगता है कि एग्जैक्ट डिजाइन सेम है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, तो आप सेम और सेम जो विजेट आपने, जो डिजाइन आपने बनाया उसको कस्टम करके उसको आप एज अ कस्टम विजेट यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी डू कस्टम विजेट्स, सही है। तो कस्टम विजेट्स का तो टॉपिक है वो भी यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब हमने करना ये कि इनको हमने अलग अलग आइकन और अलग अलग टेक्स्ट पास करना है, सही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक ऑप्शन रखता हूँ आइकॉन डेटा, असल में जो आइकन है ना, ये वाला जो आइकन हम देते हैं, ये इसकी टाइम हमारे पास आइकन डेटा है, सही है। क्योंकि आप यहाँ पे देख लेना, ऊपर देखें इसका क्या है, आइकन 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 डेटा टॉप पे आ रहा है, सही है, जिसको हम आइकन पास करते हैं। सो यहाँ पे एक आइकन डेटा होगा जिसमें इसको मैं देता हूँ आइकन, इसको मैं फाइनल कर देता हूँ, फाइनल, ये भी फाइनल है। एंड इसके बाद कर देते हैं फाइनल बटन, इसको मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, सही है। और हम इसके कंस्ट्रक्टर में ये वैल्यूज पास करेंगे, सही है, कस्टम बटन एंड दिस डॉट आइकन एंड दिस डॉट टेक्स्ट, क्लियर। और यहाँ पर इस आइकन के बजाय मैं क्या, कौन सा आइकन यूज करूंगा, ये वाला आइकन यूज करूंगा, तो यहाँ पर इसको मैं पास करूंगा, सही है। और इस टेक्स्ट के बजाय मैं क्या करूंगा, जो ऊपर मैंने टेक्स्ट डिफाइन किया हुआ है उसको मैं यहाँ पर यूज करूंगा। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं स्टार्ट में क्या दूंगा, एक आइकन दूंगा ना, तो आइकॉन्स डॉट
फोन था एंड साथ में टेक्स्ट था, तो टेक्स्ट मेरे पास क्या है, कॉल। अब देखें मेरे पास ये आ रहा है, अब इसको मैं चेंज करूंगा, फोन था, एक एक हमारे पास क्या है, राउटिंग का है, नेविगेशन का है, एंड इसमें क्या है, राउट। इसको सेव करते हैं, देखें तो वो डिफरेंट आइकन आ रहा है, सही है। एंड देन थर्ड हमारे पास है शेयर का, शेयर आइकन, एंड इसको कर देते हैं शेयर। अभी हमारे पास तीन डिफरेंट बटन बन गए हैं यहाँ पर। अब बात आती है यहाँ पर स्पेसिंग की, स्पेसिंग हमने करनी है, सही है। सो रो है, रो की हम स्पेसिंग कैसे करेंगे, ये डायनेमिक हम स्पेसिंग कर सकते हैं यहाँ पर, जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है ना, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस अराउंड कर देंगे, क्योंकि स्टार्ट से भी इसको स्पेस चाहिए और मिडल में भी स्पेस चाहिए। अब ये देखें हमारे पास एक्जेक्टली वो तीन बटन बन गए, सो दिस इज हाउ आपका ये डिजाइन भी बन गया है, सही है। अब आखिरी स्टेप है, जस्ट हमें ये टेक्स्ट करना है, तो आपकी फिर आज का जो मुश्किल है वो हल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहे हैं। नहीं, इतना एक्सपीरियंस मेरा है, वो खैर है, तो अगर आप ना भी कहें तो मुझे अंदाजा हो जाता है। सो जो दूसरा हमारे पास है यहाँ पर, ये टेक्स्ट है, सही है। सो हम यहाँ से कुछ लॉरम इप्सम टेक्स्ट ला देते हैं। लॉरम इप्सम को जानते हैं, तो आप क्या जानते हैं, सही है। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट विजिट यूज करके मैं क्या करता हूँ, इसमें से सारा टेक्स्ट डाल लेता हूँ। अच्छा, अभी इसमें ये देखें, अच्छा अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये देखें, ये सिंगल कॉलन आ रहा है, सॉरी सिंगल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, सही है। अब मैंने जब स्टार्ट में मैंने टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट किया था, तो उसमें कुछ मसला आ रहा था, दोबारा से बता दूँ, क्योंकि ये अगर मैं सिंगल इन्वर्टेड, अब टेक्स्ट ये है ना, टेक्स्ट आप सिंगल जो सॉरी स्ट्रिंग है, आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी में भी ले सकते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी ले सकते हैं, सही है। अब जब सिंगल इन्वर्टेड में ये डालूंगा, तो ये देखें इसमें मसला आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज हुआ है, ये देखें, सही है। सो ऐसे केसेस में आपके पास एक ऑप्शन और भी है, बट एक सिंपल ऑप्शन ये है कि आप फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करें, इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करके तो आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, सही है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक इशू आएगा, ये देखें, सही है, इशू तो नहीं आया, बट एनी हाउ सो ये हमारे पास वो टेक्स्ट आ रहा है। अब इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे, तो सब कुछ हल हो जाएगा। अब आखिरी स्टेप है स्टाइल एंड टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ पर हमारे पास आएगा फॉन्ट वेट, सो फॉन्ट वेट डॉट 500 कर देंगे इसको, एंड उसका कलर जो है और ब्लैक, ओके। एंड आखिरी ऑप्शन पर क्या है, इसमें कलर की हो गया साइज, फोन साइज, फोन साइज का हम 18 कर रहे थे, सही है। ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, अच्छा 500 से इसको कर देते हैं, इसको 400 करते हैं इसको, और फॉन्ट साइज भी बहुत ज़्यादा है, ओके। सो इट इज एडजस्टेड नाउ। अब इसमें एक और बात है, वो आप देख लें, यहाँ पर हमारे पास ये जो डिज़ाइन है,
इसकी जो अलाइनमेंट अलाइनमेंट भी ठीक है, वो बिल्कुल लेफ्ट अलाइन आ रहा है, इसमें भी उसमें भी लेफ्ट अलाइन आ रहा था हमारे पास। अब इसको हमने कुछ थोड़ी सी पेडिंग देनी है टॉप एंड बॉटम से, टॉप एंड लेफ्ट राइट से। सो इसको हम पेडिंग देते हैं, पेडिंग एंड सॉरी कंटेनर में कर दिया मैंने, पेडिंग एंड यहाँ पे इसको कर देते हैं डॉट ओनली। तो टॉप से करते हैं इसको, टॉप से देते हैं इसको 30 एंड लेफ्ट से भी 30, राइट से भी 30। ओके सो आपका वो टेक्स्ट भी यहाँ पर एडजस्टेड हो गया है, सही है। सो आपका ये डिजाइन बन गया है, और यहाँ पर आपका आज का सेशन भी फाइनल करते हैं। अच्छा, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, क्वेश्चन आर मोस्ट वेलकम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, ऑनलाइन जो लोग हैं उनका क्वेश्चन है, जो फिजिकल में बैठे हुए हैं उनका जितने क्वेश्चन है तो वो बता दें। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम अपना सेशन एंड कर देते हैं, एंड देन आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स हैं, आप कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो करेंगे खुद से, एंड देन वी आर डन विद दिस सेशन। So I think you don't have any question. So let's end this session for today and see you again in the next session. Thank you so much for your time and dedication as well.